माननीय राष्ट्रपति जी, हमारा सौभाग्य है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में एक मास का प्रशिक्षण पूरा करने के साथ हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह प्रशिक्षण हमारे लिए खुद स्वयं को, अपने दायित्वों को और उससे भी बढ़कर देश के आम जन की आशा आकांक्षाओं को नए सिरे से समझने का मौका दिया है। कोशिश है कि मैं आपके सम्मुख वे सभी बिंदु प्रस्तुत कर सकूं जो इस दौरान हमारे अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा रही। हमारे प्रशिक्षण में अनेक मसले एवं मुद्दों का समावेश रहा। इस दौरान हमें अपने अर्थतंत्र, देश के आर्थिक विकासों में राज्यों की भूमिका, ग्रामीण आजीविका, लघु एवं मध्यम उद्योग, देश की में रोजगार की संभावनाओं तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को समझने का मौका मिला। साथ ही अन्य देशों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को भी जाना। अब तक शायद हमें सभी प्रादेशिक ढांचे में समस्याओं को देखने एवं उनके निराकरण को खोजने के हम आदि रहे, परंतु इस प्रशिक्षण ने हमें निश्चित तौर पे एक अधिक व्यापक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से लैस किया है। अकादमी द्वारा अपनाए गए आधुनिक एवं नई पद्धति का प्रयोग, जैसे केस स्टडी, फिल्म, रोल प्ले ने हमारे अनुभवों को वास्तव में अधिक सजीव एवं गूढ़ बनाया। अपने नेतृत्व को पहचानना और उसका निरंतर विकास करने के साथ साथ आपसी मतभेद को कम करना, उसमें सहमति प्राप्ति, यह एक महत्वपूर्ण सीख रही। चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, कृषि कौशल विकास, जल मार्ग का महत्व, पर्यावरण का मुद्दा, भू सुधार एवं अर्जन का सवाल हो, इस प्रशिक्षण ने इनका समाधान एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ढूंढने का मार्ग दिखाया। अगर हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को गहराई से समझ सके तो साथ ही ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं को भी हमने नए चश्मे के साथ में देखा। समाज में लिंग भेद, कामकाज में यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों को हमने नए परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की। सूचना के अधिकार से लेकर ऊर्जा एवं शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हमने गौर किया। साथ ही सरकारी योजनाओं को समाज के जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग तक कैसे पहुँचाया जाए एवं सामाजिक जनसंचार माध्यम को कैसे जनहित में प्रयोग किया जाए, इस पर चिंतन की। अपनी सांस्कृतिक शक्ति के बल पर विश्व भर में भारत की पहचान स्थापित करने को लेकर भी हमने विमर्श किया। इसी क्रम में भारत दर्शन भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना और संभवतः यह सुनियोजित ही है कि भारत भ्रमण का समापन आज राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में हो रहा है। इस सफल प्रशिक्षण के लिए इसके संयोजक एवं अकादमी की निदेशिका के प्रति हम आभारी हैं। हमें इस बात का पूरा पूरा भान है कि यह व्यापक एवं प्रासंगिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी सूझबूझ के साथ आपने तैयार की और हम अपने प्रशिक्षकों के साथ साथ माननीय आपको और आपके माध्यम से पूरे देश को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस शिक्षण प्रशिक्षण को किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं करेंगे और इसका लाभ भारत के जन जन को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्स कोऑर्डिनेटर 120th ITP एंड माय ऑफिसर क्लीग्स, आई एम हेयर टू शेयर अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द 120th इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हिच अलाउड अस टू डेवलप अ बेटर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग of our fellow officers professionally as well as personally. The classroom sessions were well complemented by these extracurricular activities. The academy does not leave its intent to imagination. The infrastructure and the facilities available are excellent in quality and range, may it be yoga, gymnasium, table tennis, badminton, tennis, horse riding, cricket, or cycling. The academy caters to everyone. And to encourage participants, we were all given sports gear the day we arrived, followed by a BMI and health checkup. As if it was not enough, then 5 a.m. door knocks definitely were. Seeing the zeal of the participants, the academy went an extra mile by organizing weekend tracks and nature walks. The sports arena was not only a buzz with activity during the morning mandatory session, but the evening hours also witness the undiminished enthusiasm after 6 hours of academic sessions. It could be clearly seen that all those hours we put in our office did not squash our spirit,
to compete against one another. Every 7 out of 10 officers participated in various sports competitions during our time at the academy. The concluding sports event of a 3-kilometer race attracted large number of entries. All the participating sportspersons were facilitated by the academy. Besides sports, we also had the opportunity of participating in cultural activities. Their accumulation saw 30 participants representing different states present their respective cultures, highlight being the colors of India in the format of a fashion show. The academy also organized performance by Northeast dance troupe, which mesmerized us. Even though we come from different regions and cultures, but extracurricular brought the best of us to the fore in the form of a rainbow. Honorable President, sir, most humbly, we would like to mention that all the participants in the spirit of fraternity contributed rupees 1.5 lakh for the Academy's social fund. We, the participants, thank everyone involved in making our stay at the Academy as rejuvenating and inspiring as possible. Thank you, sir.